में आरंभ होती है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। सुखदेव जी कहते हैं, सुनो सखी कौतुक मेकम नंदन के तांगणे मया दृष्टम, गोधूल धूसरतांग नृत्यंती वेदांत सिद्धांत। बहुत ध्यान से सुनना कथा। नंद के ब्रज में रहने वाली जितनी भी गोपियां हैं, इन्होंने एक बहुत सुंदर सपना देखा। एक सखी दूसरी सखी से बोली, बहन वेदांत प्रतिपाद जो ब्रह्म है, जो कृष्ण है, मैंने उसको गाय की धूली से दूसरत अंग वाला देखा। इस बात को सुनकर के दूसरी गोपी के दिल पर मानो करंट सा लगा कि कब हम जाएं, कब कृष्ण का दर्शन करें, लेकिन जाएं कैसे, सास तो घर से बाहर जाने नहीं देती, क्योंकि ब्रज की जो सासें हैं वो बड़ी जरा कठिन हैं। सास का मतलब समझते हैं आप? सास बोले, जिसके नाम को सुनते ही सांस रुक जाए उसको कहते हैं सास। कई सास बड़ी खतरनाक होती हैं, कई सास ऐसी होती हैं कि जो बहू को बेटी मानती हैं, और कई सास ऐसी होती हैं कि सास जैसी होती हैं। अब ब्रज की जो सास हैं वो जरा ज्यादा खतरनाक हैं। बहुएं सोच रही हैं कैसे जाएं बाहर, सास तो जाने नहीं दे, और जब तक नहीं जाए तब तक कृष्ण का दर्शन हो कैसे। तो इन्होंने काम किया, सास गई थी नहाने तो बहू ने पूरी दही की मटकी फोड़ दी। सास बोली, बहू मटकी कौन ने फोड़ी? बोले, नंद के छोरा आए थे सो मटकी फोर गई। सास बोली, मैं जाऊंगी तो बात ज्यादा बढ़ जाएगी, अली एक काम करो, तुम मेरी तरफ से जाओ नंदरानी से कह के आओ कि तुम्हारे लाला ने हमारे घर की माखन की मटकी फोरी। बहुएं तो चाहते ही थी, झुंड का झुंड बना करके सभी वृजांगनाएं नंदरानी के घर पहुंची। मैया मंदिर के लिए जा रही थी, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे कथा के मध्य में श्री श्री माता रतनगढ़ वाली माता के परम पूज्य पुजारी जी महाराज का आगमन हुआ है। पुजारी जी के पिताजी का, उनके लिए जोरदार ताली बजाओ सम्मान। हमारे परीक्षित जी रमा शंकर पाठक जी ने बड़ा आग्रह किया था महाराज जी से कि जरूर समय पधारें, और हमारे परीक्षित जी तिलक सम्मान करके महाराज जी का सम्मान करेंगे, और वो श्रीमद् भागवत को प्रणाम कर रहे हैं, और सभी विप्राचार संगीत पार्षदों के लिए हमारे परम पूज्य रतनगढ़ माता के पुजारी जी के परम पूज्य पिताजी अपना अमूल समय निकाल करके कथा में पधारे। मैं इस व्यास मंच से उनको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ये मातेश्वरी का दरबार है, यहाँ पर बैठ करके हम कथा सुन रहे हैं, इसका कई गुना फल है। ऐसे ऐसे संतों का और महात्माओं का जय वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत बहुत अभिनंदन, साधुवाद, धन्यवाद। तिलक करके माल्यार्पण करके आप महाराज जी का सम्मान करेंगे, और आप सभी उनके सम्मान में ताली बजाएंगे। बोल रतनगढ़ वाली माता की जय हो, श्री कुंवर महाराज की जय हो, बोले भागवत भगवान की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री राधे। सभी गोपियों से निवेदन किया कि जाओ तुम शिकायत करके आओ। और सुखदेव जी के शब्दों में कितनी सुंदर शिकायत गोपियां करती हैं। वतसान मुंचन कुछ समय रोज संजात हाशन, वतसान मुंचन कुछ समय रोज संजात हाशन, स्थेयं सर्वत्यति नरपया कल्पितस्ते यो वै मरकान मोक्षन विवियति सचेनाति भानं विनति द्रव्यासलाव ग्रह कुंभतो या तो विक्रोश तो का
यतुपिक्रोशितो काम। हे मैया तुम्हारे बेटा कहाँ है उनको जरा बुला के लाओ। मैया बोली वो तो पन्ना में सो रहो दिखे। छोटे से कन्हैया को बुलाया। मैया रात में आंखों में काजल लगा देती थी। हाँ जोरदार ताली बजाइए आप। बोले रत्नगढ़ वाली माता की जय हो। और जो आंखों का काजल है वो गालों तक फैल जाता था। ऐसे लगता था जैसे जगन्नाथ भगवान की चक्रधार आंख बन गई क्या। जगन्नाथ भगवान जैसी चक्रधार आंख। गोपियां देखती रह गईं, मानो दिल पर करंट सा लगा कि बस इन्हीं को देखते रहे। बगल वाली को इशारा किया कि चलो चलो कोई बहाना शुरू कर दो, कोई शिकायत शुरू कर दो, तब हमें कृष्ण का ज्यादा देर तक दर्शन होगा। ये गोपी मैया से शिकायत करने लगी। मैया तुम्हारे लाला हमारे घर में ऐसो ऐसो ऊधम मचावे। अरे एक ही ऊधम का नाम बता दो। वतसान मुंचन कुजबे असमय रोष संजात हास। बछड़े की रस्सी खोलना ही है। मैया बोली बछड़े की रस्सी खोलना कोई घर का काम ही तो है। बोले बछड़े की रस्सी जब ना खोले जब दूध देवे को समय आवे बाकी एक घंटा पहले ही खोल दे और बच्चा जाकर के पूरा दूध पी जाए। हमारे सेंगवा से पधारी हुए पंडित श्री शिया शरण मिश्रा जी मास्टर साहब उनके लिए भी जोरदार ताली बजाओ। तो भागवत जी को प्रणाम करते हैं। मेरी कथा करा चुके हैं ये बहुत वर्ष पहले स्वयं परीक्षित बन के लगभग 8-10 साल हो गए। इन्हीं के गांव में स्वयं मुख्य यजमान बन के भागवत कथा कराई। अपना समय निकाल करके माता रतनगढ़ पर आए। बहुत बहुत साधुवाद। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। मैया बोली और बताओ क्या उधम कियो। बोले माखन की चोरी करके हमारे घर से ये भागे। मैंने इनसे कितनी बार कही कि तुम्हें माखन खाना हो करे तो तुम मांग लो करे लेकिन चोरी मत कियो करो। सो कहते हमें तो चोरी ही को माखन अच्छा लगे, राजी को अच्छा लगे ही ना। और नंद को चोरा मूछों पे ताव दे के जा रहा है। काऊ में हिम्मत हो सो रोक ले। 3.5 वर्ष का बच्चा मूछों पे ताव दे रहा है। आहा क्योंकि इनकी बाल मंडली का नाम है बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल, बाल गोपालों की चोरी मंडली। और जब इनके अध्यक्ष जी 3.5 साल के हैं तो सदस्य कितने साल के होंगे तुम खुद लगा लो हिसाब। 3.5 साल के छोटे छोटे बच्चे। मैया बोली तुम एक काम करो करे कि माखन की मटकी को तुम छींके पे टांग दो करे। छींको जानो कह सके छींको के सिंको बुंदेलखंडी में सिंको बोले ब्रज भाषा में छींको बोल क्योंकि ब्रज बुंदेली बहने ही बहने हैं। मटकी को छींके पे टांगोगे तो लाला के हाथ नहीं पहुंचेंगे। बोले हम ये भी कर चुके हैं जब मटकी को छींके पे टांगा तो न जाने कहां से ओखल ले आए तुम्हारे लाला। और ओखल पे 1 सका 2 सका 3 सका 4 सका और सबसे ऊपर श्रीमान जी और पूरा दही खा गए। मैया बोली तुम्हारा छींको नक नीचो होएगा नक ऊंचो लटकाओ करे। मैया बोली एक दिन तो हमें गुस्सा आई सो माखन की मटकी को गांव के बाहर पीपल के पेड़ पे टांग के आए। वृंदावन में हरिलाल जय हो। ना जाने कहां से 25 थास का बांस का डंडा ले आए कृष्ण। अब वो मटकी में मारो सो छेद रह गए और पत्रो दही गिरवे लगो सब ओक लगा के पी गए एक बूंद भी नहीं गिरने दियो। ऐसा ऐसा उधम। मैया कहती है कि मटकी को तुम अंधेरी कोठरी में धर दो करे और अंधेरी कोठरी में जाको बहुत जोर को डर लगे काय बात को बोले हऊ आ।
गोपी बात पर बात बढ़ा रही हैं। देखिए कथा में गोपियों का उद्देश्य क्या है, केवल कृष्ण का दर्शन करना। ये जितने भी बहाने वो टोटल झूठे बहाने हैं। जो बात मैया कहती है वही बात हम ये भी कर चुकी हैं, हम ये भी कर चुकी हैं, हम ये भी, क्यों? क्योंकि इस बहाने केवल उन्हें कृष्ण का दर्शन करना है बस। एक दिन हमने अंधेरी कोठरी में मटकी धर दी, ध्वंता गारे धृति मणि गण स्वांग अर्त प्रदीपम, ध्वंता गारे धृति मणि गण स्वांगम अर्थ प्रदीपम। तुमने कन्हैया के हाथों में जो मणियों के कड़ूले पहना रखे हैं, इन्हें और कुछ दी के चन्ना दी के, लेकिन वो माखन की मटकिया तो दी गई। तब तक एक 50 वर्ष की गोपी वृद्धा, उससे पूछा तुम्हारे घर में क्या उदम किया? अजी मेरे घर में तो ऐसा उदम कियो कि बतावे में भी ला जावे। बोले का उदम कियो? बोले परसों मेरे पति देव को 91वां जन्मदिन मनो, बोलो जय श्री कृष्ण। ढीले काय को बोल रहे, जोर से बोलो ना जय श्री कृष्ण। आज भोजन नहीं किया क्या? तो जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। हमने तो खूब किया आज, कोई टेंशन नहीं है, जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, भंडारा मिलता ही है, पर जय श्री कृष्ण में ठंडापन क्यों है? तो जोर से बोलो ना जय श्री कृष्ण। मेरे पति देव को 91वां जन्मदिन मनो। पति देव के जन्मदिन की खुशी में मैंने बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए। दिन के 12 बजे तुम्हारे लाला आए और बोले भाभी राम राम। मैंने कही राम राम। ओ भाभी आज तो बढ़िया बढ़िया पकौड़ी बन रही है, काय बात की खुशी में? बोले लल्ला मेरे पति को जन्मदिन है, तो बोले एक पकौड़ी हमको भी दे देना भाभी जामे से। बोले अभी नहीं मिलेगी, पहले गोपाल जी को भोग लगाओ, जन्मदिन में लगो, बाकी बाद ही में पकौड़ी मिलेगी। सो बोले हम ही भगवान है, हम ही को खिला दो सो ही भोग लग जाएगा। अब मैंने इनकी बात नहीं मानी, सुक्को पे तो हो गए। बोले भाभी होगी सो देखी जाएगी, तने सच्चे भगवान को अपमान किया है, आज तोई को देखना। अब मैंने सोचा बच्चे बातें करते रहते, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं और मेरे पति दोनों सो गए रात में, न जाने कौन सी खिड़की से रात के 12 बजे आ गए कृष्ण, और मेरी चोटी और पति की दाढ़ी जोर से कसता ही। मुझे क्या पता, रात के 2 बजे मेरे पति को प्यास लगी, सो पानी पीने के लिए पति उठे, सो मेरी चोटी पति की डाढ़ी खींचे। अब मेरी आंख खुली, कहा कर रहे हो, कहा कर रहे हो, कहा कर रहे हो? बोले हम नहीं कर रहे, तुम कर रहे हो। अरे कहा कर रहे हो, कहा कर रहे हो, कहा कर रहे हो? कैसे बताऊं महारानी जी, जैसे मैंने प्रकाश करके देखो तो मेरे पति की दाढ़ी के 25% बाल उखड़ गए। ऐसा उदम, कान पकड़ लिया कृष्ण का। क्यों बेटा ऐसा उदम किया? थर थर कांप रहे हैं कृष्ण। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, इस दृश्य को अपने दिल में उतारने का प्रयास करो। क्या ब्रह्मा में इतनी ताकत है जो कृष्ण का कान पकड़ ले? क्या शंकर में इतनी सामर्थ्य है जो कृष्ण का कान पकड़ ले? ये तो यशोदा के वात्सल में इतनी ताकत है कि त्रिलोकीनाथ थर थर कांप रहा है और बोले मैया मैं तो ये भी ना जानूं कि इन गोपियों को घर कौन सी गली में है। चोर नाम मेरो धरो, मेरो होने ने दंगी ब्याह। ये सब झूठी है मैया, इनकी बातन में मत पड़ियो। देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आंखों से हमने ब्रह्म को पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना उलाना तो बहाना है। इन गोपियों का ताना उलाना तो बहाना, इन गोपियों
गोपियों का ताना उलाना तो केवल बहाना है। तुम ये कभी मत समझना परीक्षित के कन्हैया ने कभी माखन की चोरी की, ये तो गोपियों का भाव है। पहले कन्हैया को माखन खिलाती फिर झूठे को कहती चोर चोर चोर। गोपी का मतलब क्या है? व्याकरण के अनुसार गोभी ही इंद्रिय ही कृष्ण रसम प्रवतीत गोपी। गो माने होती इंद्रियां और पी माने होता है पीना। जो प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण रस का पान करे उसका नाम है गोपी। गोपियों को कौन समझ सकता है? आज मैया यशोदा सुबेरे सुबेरे माखन बिलो रही थी। माता बहने कृपया ध्यान दें, अगर कोई माता ये चाहे कि मेरा बेटा बुढ़ापे में मेरी सेवा करे तो याद रखना अपने बच्चे की अपने हाथों से सेवा कर। अपने बच्चों को अपना ही स्तनपान कराओ, न कि बोतल का। अब छोटे में छोटी बोतल से दूध पीता है, बड़े में बड़ी बोतल पकड़ लेता है। किसकी कृपा है? बोले माता जी की कृपा है। संस्कार घर से बनते घर से बिगड़ते हैं। अपना स्तनपान कराओ, जितनी ताकत माँ के दुग्ध में है संसार के किसी दुग्ध में नहीं है। अगर कोई तुमसे ये कह दे कि माँ का दूध पिया तो आ जाओ, हे भगवान खून खोल जाएगा। क्यों खोला खून? क्योंकि माँ का जो दूध है वो हमारे नसों में खून बन के बह रहा है, हमारी नाड़ियों में धमनियों में रक्त बन के जो बह रहा है वो कौन है? वो हमारे माँ का दूध है। अगर कोई ये कह दे कि भैंस का दूध पिया तो आ जाओ, अगर गाय का दूध पिया तो आ जाओ, लेकिन माँ के दुग्ध की बात सुनते ही खून खोलने लगता है, इसका मतलब ये है कि माँ के दुग्ध में जितनी ताकत होती है दुनिया के किसी भी दुग्ध में उतनी ताकत नहीं होती। आज माता स्वयं अपने हाथों से अपने बच्चों को, अपने कृष्ण को स्वयं दुग्ध पान कराती है, स्वयं अपने हाथों से दही बिलोती है। यानी यानी ही गीतानी तदबाल चरतान च दधि निर्मंतने काले स्मरन्ति तान लगायत। जब दही बिलोती है तो एक कर्म की सेवा हो गई, जब मुख से कन्हैया को बुलाती वाणी की सेवा हो गई, और अंदर कृष्ण के बारे में विचार करती सोचती है मन की सेवा हो गई। मन वाणी और कर्म तीनों से कृष्ण की सेवा करती है। एकदा गृहदासी सो यशोदानंद गृहिणी कर्मांतर नियुक्ता सो निर्ममंथ स्वयं दधि। सुखदेव जी कहते हैं आज मैया स्वयं अपने हाथों से कृष्ण के लिए दही बिलो रही थी कि सवेरे सवेरे कन्हैया आ गए, बोले हमें तो माखन चाहिए। जाड़ों के दिनों में रातें बड़ी होती हैं, दिन छोटे होते हैं, चंद्रमा कभी कभी 4 बजे देखना तो आकाश मंडल में भी दिखता है। मैया बोली बच्चों की जिद उते ताजो चाहिए अबे चाहिए, ताजो चाहिए अबे चाहिए, जही मटकी में से चाहिए। मैया ने कह दिया रात्रि को बासुरक का तो खा ले, बोले नहीं। तो मैया ने भूल भुलैया करने के लिए कह दिया देख बेटा ऊपर का, बोले का चंदा मामा, चंदा मामा। सुश्रीमान जी माखन भूल गए, बोले अब तो चंदा लेंगे। और सूरदास के शब्दों में देखिए कितनी सुंदर जित करते हैं कृष्ण। मैया ने थाली में पानी भर दिया और चंद्रमा की परछाई आ गई, देख बेटा ये आ गया चंदा। सो हाथ से पानी हिला दिया, बोले ये तो पानी है हम तो बोई लेंगे। और सूर्य के शब्दों में कितनी सुंदर, चंद्र खिलौना ले होरी मैया, चंद्र खिलौना ले जे हो लोट अब है अब नी पे तेरी गोद नए। अगर चंदा नहीं देगी तो जमीन पर लेट जाएंगे, बालू लगा लेंगे, धूल लगा लेंगे, मिट्टी लगा लेंगे, तेरी गोद में नहीं आएंगे। धमकी दे रहे हैं कि शायद चंदा मिल जाए। देखो छोटे से कृष्ण कितनी सुंदर जिद करते हैं। मैया बोली वैसे ही तो तू कहा रहा है, मिट्टी लगा ले को सोवर कारो है जाएगा, मेरो कहा जाए, मैं तो बलराम ही को नहलाऊंगी, बलराम ही को अच्छे से तैयार करूंगी। हाँ मेरा बेटा तो बलदा गई है। कन्हैया ने जो सुना बोले ओहो पहली धमकी तो फेल हो गई, तो दूसरी धमकी कितनी सुंदर दे रहे हैं सुर के शब्दों में। कि सुरभि को पै पान न करो वीणी सिर न गुथे हूं, चोटी को बहाना बना के दूध पिला ले।
कृष्ण को चोटी रखने का बड़ा शौक था, जैसे आज के बच्चों को चोटी काटने का बड़ा शौक है। हिंदुत्व की पहचान है चोटी। पुराने जमाने में हिंदू कहते थे कि चोटी नहीं कटाएंगे, चाहे शरीर को दीवार में चुनवा देंगे, चोटी नहीं कटाएंगे। और आज हिंदू बच्चे अपने हाथों से चोटी काट लेते हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। कृष्ण के चरित्र से सुन लो, कृष्ण को चोटी रखने का बहुत शौक था। कबे बढ़ेगी चोटी मैया, कबे बढ़ेगी चोटी, तो मैया कहती है एक सांस में एक कटोरा दूध पी ले तो चोटी बढ़ जाएगी। तो एक हाथ में दूध का कटोरा और एक हाथ चोटी पे बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? इधर दूध पी रहे हैं, इधर देख रहे हैं बड़ी कि नहीं बड़ी। कबे बढ़ेगी चोटी मैया, कबे बढ़ेगी चोटी, और केती बार भाई दूध पे बस हुई है, अजो हूं है छोटी। और धमकी दे रहे दूध पीना बंद, चोटी बढ़ाना बंद, बाल निकलवाना बंद, चंदा चाहिए। मैया बोली वैसे ही तू कमजोर है, दूध नहीं पिएगा उसे तो पेट जाके पीठ में मिल जाएगा। मेरो कहा जाए मैं तो बलदा गई को पिलाऊंगी दूध, मेरो बेटा तो बलदा गई है। कन्हैया न सोचा दूसरी धमकी भी फेल हो गई। लेकिन तीसरी बात ऐसी कह दी कि मैया अपने आंखों के आंसू को रोक न सके। किशोर भी को पैपान न कर हो, तीसरी बात बहुत गंभीर कह दी। कहे हो पूति नंदी बाबा को तेरा सुतीना कहे हो, कहे हो पूति नंदी बाबा को तेरा सुतीना ब्रजवासियों की पंचायत में जाकर के बोल देंगे कि हम मैया के बेटा नहीं, हम तो बाबा के बेटा। आसी तू मेरी मैया नहीं और मैं तेरा बेटा नहीं। रूठ करके कोने में जाकर के कन्हैया बैठ गई। सुखदेव जी कहते हैं जैसे भी माँ यशोदा ने ये सुना हिलकियों से रो पड़ी माँ यशोदा। बेटा ऐसा मत बोल, मैं ही तेरी माँ हूँ और तू ही मेरा बेटा है। आज कही सो कही, लेकिन आज के बाद ऐसी बात मत कहना कि मैं तेरी माँ नहीं और तू मेरा बेटा नहीं। ऐसी तोतली बाणी बोले लाला, कहीं तो को मेरी ही नजर ना लग जाए। मत कहना ये बात। तो बोल चंदा दे रही फिर मैया, चंदा दे रही। सुमैया को थोड़ी सी हंसी आ गई और जैसे ही हंसी आई सो गर्दन को नीचे झुकाने लगी मैया। सो थोड़ी सी उंगली लगा करके गर्दन से हंस रही है, बढ़िया मैया हंस रही है। बोल चंदा दे रही कि नहीं? ढग बैठा ये कहत नंद रानी, बलदेव न सुने हो अति सुंदर माखन हुस कोमल, तुको नई दुल्हनिया ले हो। अच्छा एक बात कहूं, बलदाव से तो नहीं कहो, नहीं हम नहीं कहेंगे। तेरे लिए एक बहुत सुंदर माखन से भी कोमल एक बहू ला दूंगी, अब तो ठीक है? और जो बहू को नाम सुनो। सो चंदा भूल गए, बोले अब तो बहू लेंगे, अब तो बहू दे, और बहू चाहिए, बहू चाहिए, बहू चाहिए, बहू चाहिए। मैया बोली मौत हो गए आवे न बहू चाहिए। अरे लाला बहू जानो काहे सके? बोले हम कुछ नहीं जानते, मैं तो बहू चाहिए, बहू दे। चंदा बाद में बहू पहले चाहिए। अरे लाला बहू तो बड़ी मोटी हो, बड़ी लंबी हो, कैसी बहू चाहिए?
बोले हमें तो ऐसी बहू चाहिए कि जब गैया चरावे जाए तो बाको जिम में रख ले। बोलो जय श्री कृष्ण। मैया ने सोची दारी को गुड़िया मांग रहो दीखे, एक छोटो सो खिलौना दे दियो लेकर के। अरे बोले यही तो बहू है। कितना बड़ा सद्भाग्य हमारे यशोदा का जो ऐसे चरित्र करते नारायण प्रभु साक्षात। एक दिन की बात है कि मैया अपने कृष्ण को स्तनपान करा रही थी कि चूल्हे पे दूध का बर्तन रखा था तो वो उफना, अरे पूरा दूध निकल गया। तो अतृप्त कृष्ण को पटका और वो बर्तन उठाया, सो कन्हैया बोले अच्छा दूध प्यारा लगे पूत प्यारो ना लगे, मुंह को पटक में दूध की चिंता हो गई। सो इतना बड़ा पत्थर लिया वो मथानी में मारा सो मटकी फूट गई। दारी के तेने मेरे सांस के जमाने की मधानी फोड़ दे, अब नहीं जोड़ूंगी। और मैया दौड़ी और कृष्ण भगे, लेकिन कृष्ण को कौन पकड़ सकता है। समातु सुन्न गात्राया विशस्त्र का वस्त्र जहा दृष्टा पर श्रवम कृष्ण कृपया शीत स्वबंधन। स्वयं बंधन में आ गए ठाकुर जी। आज मैं ऐसी सजा दूंगी वो खल से बांधा जो रस्सी, तो रस्सी दो अंगुल कम पड़ गई और रस्सी जोड़ी दो अंगुल कम। और मतलब क्या, परमात्मा की ऐश्वर्य शक्ति और माधुर्य शक्ति, ये दोनों शक्ति मिलकर के इस रस्सी को कम कर रही थी। और यशोदा को बताना चाहते हैं कि हे ग्वालिनी यशोदा, सारी दुनिया को जो बंधन में बांधता है उस ब्रह्म को तू बंधन में बांध रही है। एक आध बार अपन को मौका पड़ेगा तो अपन भी बताएंगे कि ये कौन है जिसको तू बांध रही है। लेकिन कृपया सी तो संबंध नहीं। जब मैया थक गई तो भगवान ने माया को इशारा किया कि बस अब ठीक है बंध जान दो, और स्वयं बंध गए भगवान, स्वयं बंधन में बंध गई। इस लीला में भगवान ने अपने कुहनी के माध्यम से दो वृक्षों को मुक्ति दी है जो कुबेर के पुत्र हैं। इनमें एक का नाम है नल कुबेर और दूसरे का नाम है मणिग्रीव। इन्होंने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गाई है। वाणी गुणानुकथने श्रवण कथायां अस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां सरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सदा दर्शने स्तवावत्त नूनम। वाणी से आपको गाए, कानों से आपको सुने, आंखों से आपको देखें ठाकुर जी, बस भक्ति का वर हमें दे दो। भगवान ने यहाँ पर यमलार्जुन वृक्षों को सदगति दी, भक्ति का वर दिया, लेकिन दो दो पेड़ों से भी जान बची। इसलिए नंद बाबा ने एक पंचायत बुलाई गोकुल में और कहा जिस दिन से मेरे बेटा ने जन्म लिया किसी ने मेरे बेटा को सुख से नहीं जीने दिया। आपने सुनी थी ना अभी कथा कि सातवें दिन तो पूतना पहुंच गई और आठवें दिन सकटासुर गया और नौवें दिन तृणावर्त, यानी सात आठ नौ तीन दिन में क्रम से तीन राक्षस भेजे थे कंस। और इन तीन घटनाओं के बाद चौथी घटना ये पेड़ वाली घटी। आज आनंद बोले जिस दिन से बेटा हुआ उस दिन से केवल कष्ट, इसलिए ऐसी गोकुल को मैं छोड़ना चाहता हूँ। नंद बाबा थे नौ भाई, तो नौ भाइयों की पंचायत बुलाई पूरा गांव। तो इनके जो छोटे भाई उपनंद हैं, उपनंद ने कहा हे बाबा इतनी बड़ी प्रतिष्ठा वैभव महल इनको छोड़ करके आप जाओगे कहां। बोले जहां मेरा बेटा सुरक्षित नहीं मैं ऐसी समृद्धि को ठोकर मारता हूं। तो बोले कहां जाए, तो उपनंद बोले अगर गोकुल से भी सबसे परम पवित्र जगह यदि कोई है तो उसका नाम है श्रीधाम। जोर से बोलिए उसका नाम है श्रीधाम वृंदावन, क्योंकि वृंदावन का मतलब होता है वृंदावन। वृंदा माने होती है तुलसी और तुलसी का जो निर्मल वन है उसे कहते हैं वृंदावन। भगवान कहते हैं वृंदाव भक्त वृंदाव अवति रक्षतीत वृंदाव। भक्तों के हृदय में वास करने वाले भगवान जहां हमेशा रहते हो उसका नाम है वृंदावन। भगवान एक बात और कहते थे चक चक्चुर ब्रजावासम पंच योजन विस्तीर्णम धामम च हृदयम मम। ये जो पांच योजन का वृंदावन, पांच योजन जानते कितना होता है? पांच योजन माने होता है बीस कोस। हाँ बीस कोस लंबा है वृंदावन, बीस कोस चौड़ा है। तो वृंदावन की सीमा में नंदगांव भी है, बरसाना भी है, गोवर्धन भी है और वृंदावन भी है। मथुरा गोकुल दाऊजू ये अलग हैं, ये वृंदावन में नहीं है, लेकिन नंदगांव बरसाना गोवर्धन और वृंदावन ये चारों वृंदावन ही हैं।
भले ही इनकी दूरी अलग अलग है, लेकिन भगवान कहते कि पंच योजन विस्तीर्णम, जो 20 कोस का वृंदावन है वो मेरा हृदय है। ये भगवान का वचन है भागवत में, और इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है। तो वृंदावन में पहले कोई घर मकान तो था नहीं, अब आजकल तो वृंदावन सिटी हो गई। बंबई के बाद यदि किसी शहर में महंगाई है तो उसका नाम है वृंदावन। पहले तो तुलसी का बन था वृंदावन में, अब आजकल तो एक जोड़ी चप्पल उतारने की जगह 10 लाख रुपए की आती है वृंदावन में। बोलो जय श्री कृष्ण। विदेशी लोग आके बस गए, अब तो वृंदावन सिटी हो गई। तो अब आजकल के वृंदावन की बात तो मैं नहीं करता, मैं तो उस वृंदावन की बात कर रहा हूँ जहाँ हमेशा निर्मल यमुना और गिरिराज और तुलसी का वन, उस वृंदावन की बात करता हूँ। वृंदावन में सभी ब्रजवासी आ गए। न जाने कैसे पता चल गया कंस को कि तो वृंदावन आ गए, इसलिए एक राक्षस भेदा जिसका नाम था वत्सासुर, ये बछड़े के रूप में आया। क्योंकि गौचरण की जिद करी थी तो भगवान ने कहा था मुझे बछड़े चराना है, तो यशोदा माँ ने कहा बेटा तू छोटा बछड़े चरा, और वत्सासुर का भगवान ने उद्धार किया। और ये बाल कृष्ण लाल की। दूसरे दिन फिर बछड़े चराने गई तो एक राक्षस और भेजा, भागवत में लिखा है जिसका नाम है बकासुर। बकासुर मान बगुला, ये बगले के रूप में आया। मिसाल चौंच इसने फैलाई, मेरे ठाकुर जी ने चौंच को लेके चीर दिया, लो जी इसका भी राम नाम सब कर दिया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। और तीसरे दिन एक राक्षस और भेजा जिसका नाम है अघासुर, ये पूतना का भाई है, तकरीबन 1.5 किलोमीटर लंबा अजगर सांप, वृंदावन की सीमा में सांस को रोक करके पड़ा है। आज कृष्ण बलराम में बंटवारा हो गया। कैसा बंटवारा? बोले बलराम जी गैया चराने जाने लगे क्योंकि बड़े हैं और कृष्ण अभी बछड़े ही चराते हैं, तो आज बलराम जी कृष्ण के संग नहीं है। छोटे छोटे बच्चे वृंदावन की सीमा से परिचित तो है नहीं। नन्ने नन्ने बच्चे बोले देखो कन्हैया सामने मुखो तो ऐसा दिखे कि वृंदावन की कोई गुफा मालूम हो, ये वृंदावन की कोई गुफा है। हमने दादी जी से कहानी में सुनी थी, जो अच्छी गुफा होती है उनके अंदर संत महात्मा तपस्या करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय, श्रीमद् भागवत भगवान जय, श्री राधे। सभी आदरणीय श्रोता बंधु, हमारे बीच श्री ठाकुर रघुनाथ सिंह जी यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष जी व्यास जी का सम्मान कर